क्या अब तक कुंवारा हूँ मैं, शादी नहीं हो सकी है जबकि मेरा रिश्ता घर आया बार बार है। आहा, वाह वाह, एक ट्रेंड चला चौथी पंक्ति पे, एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूँ। देखो मैंने सारी ऊर्जा संचालन करने में चली जाती है, इसलिए आपकी ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा तालियों की आवश्यकता है। क्या अब तक कुंवारा हूँ मैं, शादी नहीं हो सकी है जबकि, देखिये हिंदुस्तानी आदमी टेक्निक से निपटाता है, हर किसी को सच बता रहा हूँ भैया, कह रहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान को हमारे देश के जवान सीमा पे बड़ी टेक्निक से निपटा रहे हैं। वो एक जवान ने आवाज मारी, बोले इमरान कौन है, इमरान खड़ा हो गया, जवान ने हमारे ने गोली मार दी। अगले दिन फिर आवाज मारी, बोले कामरान कौन है, कामरान फिर खड़ा हो गया, हिंदुस्तानी जवान ने फिर गोली मार दी। अगले दिन फिर आवाज मार दी, हिंदुस्तानी जवान ने, बोले सुलेमान कौन है, सुलेमान खड़ा हो गया, टपका दिया हिंदुस्तानी जवान ने। अब पाकिस्तानियों को टेक्निक समझ में आ गई, बोले अच्छा ऐसे टपकाया जाता है। उन्होंने भी उधर से आवाज मारी, बोले रामपाल कौन है, हिंदुस्तानी एक भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि समझदार। अब देखना कैसे निपटाया। अगले दिन फिर हिंदुस्तानी खड़े हो गए, बोले कल रामपाल को कौन पूछ रहा था। तालियां जोरदार बजा दो जरा। कि अब तक कुकारा हूं मैं, शादी नहीं हो सकी है जबकि मेरा रिश्ता घर आया बार बार है। वाह। और जबकि मेरे पास एक कमरे का बंगला है और फाइनेंस पर एक नैनो कार है। वाह। आधे रिश्ते तो इस बात पर टूटते हैं, लड़का कभी है इससे श्रोताओं से प्यार है। और एक रिश्ता तो इस बात पे ही टूट गया, पापा बोल पड़े मेरा बेटा चौकीदार है। वाह वाह वाह। एक रिश्ता तो इस बात पे ही टूट गया, पापा बोल पड़े मेरा बेटा चौकीदार। हम तो देखो उत्तर प्रदेश वाले बड़ी राजनीतिक, आहा भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, आप तो खाली हाथ आ रहे हो। कभी सम्मेलन में एक आदमी लठ लेकर घूम रहा था, मैंने कह दी मेरे से कोई गलत कविता पढ़ दी क्या, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, बोले नहीं चुपचाप कविता पढ़, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे यहाँ बुलाया। तो हमें विनय भैया ने बुलाया, आप इनसे निबट सकते हैं। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा समय का ध्यान रखना है, सिर्फ दो छंद पढ़ूंगा, उसके बाद हम अपने देश के बड़े कवि को सुनेंगे, अपने बड़े भैया को सुनेंगे। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा हमारे प्रदेश में क्या राजनीतिक हालात है। भैया का विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ, बहुत दिन बाद भैया सुन रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि नेताजी ने कहा जहाँ खिलते थे फूल कभी पानी उस झील का तो कतरा सा हो गया। और टीपू ने कहा कि परिवारों मेरी ताकत थी चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। चौथी पंक्ति पे जो हुआ अगर वो पहले कभी ना सुनाओ तो पलट के तालियां। नेताजी ने कहा जहाँ खिलते थे फूल कभी पानी उस झील का तो कतरा सा हो गया। टीपू ने कहा कि परिवार मेरी ताकत थी चाचा जब से गए हैं खतरा सा हो गया। मैंने पूछा बहन जी तुम्हारा हाल कैसा है, तो चेहरा बहन जी का थोड़ा उतरा सा हो गया। अब बोली 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया। बोली 10 साल से विपक्ष में हूँ बैठी हुई, मेरा हाथी सूख कर बकरा सा हो गया। और मंच पर मेरे बड़े बैठे बहुत बढ़िया, जिनके चरणों में बैठकर बढ़िया तो अभी आने वाली है। अच्छा, इतनी बुरी बढ़िया तो मुलायम सिंह जी ने नहीं करी उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ, बड़े लोगों के चरणों में और बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इन लोगों के चरणों में बैठ के कलम को पकड़ना सीख रहा हूँ और इनकी उपस्थिति हमें संबल प्रदान करती है। मैंने कभी लिखा था कि अगर हो आत्मा जीवित तो काया भी जरूरी है। आप कहीं भी रहें हिंदुस्तान के संस्कार जिंदा रहने चाहिए, क्योंकि अमेरिकी आदमी के एक पत्नी और एक प्रेम का होती है वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है। जापानी आदमी के दो पत्नी और एक प्रेम का होती है वो अपनी प्रेमिका से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी के एक पत्नी और चार चार प्रेमिकाएं होती हैं। पलट पे आपकी तालियां उठ जाएंगी। हिंदुस्तानी आदमी के एक पत्नी और चार चार प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के संस्कार बने रहने चाहिए। मैं चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ पूरे देश में, लेकिन ये हुआ कैसे, सुनिएगा। कि जितने शराबी भाई पौवे पे टिके हुए थे उनके लिए तो पूरा हाफ कर दिया है। और जो भी थे विपक्ष में वो भ्रष्टाचार करते थे, भाजपा से जोड़कर माफ कर दिया है। वाह, तैयार रहना चौथी पंक्ति पे, मैंने कहां से बात जोड़ दी। कि जितने शराबी भाई पौवे पे टिके हुए थे उनके लिए तो पूरा हाफ कर दिया है। और जो भी थे विपक्ष में वो भ्रष्टाचार करते थे, भाजपा से जोड़कर माफ कर दिया है। और जीत का जो ग्राफ थोड़ा झटका सा खा गया था, फिर से वहीं पे ऊंचा ग्राफ कर दिया है। और अमित शाह बोले जैसे मेरे बाल हो गए थे वैसे ही विपक्ष पूरा साफ कर दिया।
अमित शाह बोले जैसे मेरे बाल हो गए थे वैसे ही विपक्ष पूरा साफ कर दिया। भैया का आदेश हो तो एक दो मुक्तक और पढ़ दूं कि गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। तैयार है ना, जरा आपकी आहवाह आती रहे। के गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो, लायक नहीं थी पर भी अब लायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। और चार पंक्तियों में अपना अनुभव पढ़ रहा हूं कि मैंने न बुलाया था। अब इस समय ट्रेन मेरी तेजस की स्पीड से चल रही है। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। आपकी विदाई वाली तालियां चाहता हूं कि आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद प्यार में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। वो जानू जानू बोल के मामू। बहुत बहुत धन्यवाद।